आना शुरू हो गया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने पहले भी कहा था कि जब से नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते पार्टी ने तय किया था 2014 से, लगातार हर चुनाव में लोकसभा के लिए चारों सीटें देने का काम इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने पूरा किया है। अब की बार भी इस बात को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने अपना इतिहास दोहराते हुए 2024 में भी भारी बहुमत के साथ चारों लोकसभा सीट में शानदार जीत हासिल की है, जिसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका सहयोग जिस प्रकार से हमको इस चुनाव के अभियान में हम मिला है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जीत करके, एनडीए जीत करके आगे फिर से सरकार बनाने जारी है और ये श्रेय अगर जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाते हुए, उनके नेतृत्व पर मोहर लगाते हुए समर्थन दिया, सहयोग दिया और हम चारों सीटें बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने में हम सफल हुए हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में। और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त हम यहां मंडी में हैं तो मंडी सीट का जिक्र बहुत जोरों पर पूरे देश के हर मीडिया के माध्यम से, हर व्यक्ति के माध्यम से सुनने को मिल रहा था, मुश्किल है, कठिन है, कई तरह की बातें, लेकिन हमें मालूम था, पूरा भरोसा था कि आखिरकार मंडी लोकसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता भी भारतीय जनता पार्टी को यहां अपना समर्थन देगी और समर्थन दे करके कंगना जी को यहां से सांसद के रूप में दिल्ली भेजेंगी। और इसलिए मैं विशेष तौर से मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ में यहां पर सभी माननीय विधायक यहां पर बैठे हैं, पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। मंडी जिला की नौ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की। कुल्लू जिला में भी हमने चार में से तीन विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत बढ़िया बढ़त हासिल की। और यहां तक के भरमौर, जहां कहा जाता था कठिन है, मुश्किल है, वहां बढ़त नहीं मिलेगी, वहां पर भी 5000 वोटों से भी ज्यादा की बढ़त के साथ वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी कंगना जी को वहां से जीत हासिल हुई है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी चारों सीटों पर जीत के लिए सभी जो हमारे सांसद उम्मीदवार थे सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर से यहां मंडी में कंगना रनौत जी जो हमारे बीच में यहां पर बैठी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शानदार जीत हासिल हुई है और हमने एक बात जरूर कही थी, मंडी का अपमान हर कोई, हर कभी, हर कहीं करने की जरूरत कर रहा था और ये संदेश मंडी के सम्मान का है, मंडी के स्वाभिमान का है। और उस दृष्टि से मैं ये कहूंगा, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बोली, उन पर मैं आज बोलना नहीं चाहता हूं, धीरे धीरे वक्त के साथ बोलेंगे, जरूरत लगी तो जरूर बोलेंगे, लेकिन मैं आप सबका, मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि सारी कैंपेन में, क्यों लंबी कैंपेन हुई, बड़ी एग्जॉस्टिंग कैंपेन हुई जिसमें आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला। आओ अब इस जीत के बाद हम मंडी के विकास के लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित करते हैं, मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल प्रदेश पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इस बात के लिए हिमाचल की जनता का एक बार हृदय से फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है। भारत माता की जय। आज
मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव था और पहला चुनाव जो होता है वो हर तरीके की, जैसे आप जानते हैं, अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ होता है और ये मेरी पहली जीत भी है। इसके लिए मैं दिल से आभार करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन जो है वो लीड किया, हमारे सारे विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैं आज करती हूँ वो मंडी की जनता का, जिन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बहन कंगना को जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंचाया। और मैं आश्वासन देती हूँ कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है, उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। और इसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला आज वो दिन है जिसमें हमें न कि सिर्फ एक जीत मिली है, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा, एक ऐतिहासिक लीड जो है हमें लगभग सभी क्षेत्रों से जो है वो मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जो मंडी की जनता है वो अब अपनी बेटी में, अपनी कंगना में, अपनी बहन में जो है विश्वास रखती है। और ये जो परिवारवाद की जो ये राजनीति है उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर लड़ा गया है और इसमें जब मेरा कैंडिडेचर भी अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये जो चुनाव है हम तो अभी बहुत नए हैं, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, हमारा राजनीति में अपना कुछ अभी तक कोई योगदान भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है। तो निश्चय ही बात है हमने जो हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है। और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है, जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीजें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। धन्यवाद। जैसे पीएम मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर लिया, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं। बहुत सारे जो काम है वो जब कांग्रेस की एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, टनल है, हाईवेज है, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं उनके लाभार्थी काम, तो खैर अब मैं बात करने लगूं तो यहाँ पर बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। और हमें जो है अब जिस तरह से आदेश होंगे और जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से जो है हम काम करेंगे। कुछ वक्त जो है मुझे देखने में कि पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीजें जो रोक के रखी हैं उसमें काफी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जो है वो काम है, तो खैर उसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।